हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ीज, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ अंडर ₹15,000 जो कि पार्टी वेयर साड़ीज हैं। आप मतलब पार्टी में पहन सकते हो, तो काफी रिच एंड रॉयल लुक देती है। तो आई शो यू, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ 5-6 साड़ियाँ यहाँ पे हैं जो पार्टी वेयर साड़ीज हैं, और इसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी और भी कलेक्शन है। वो मैंने ऑनलाइन लिया है या फिर किसी शॉप से लिया है, वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। तो शुरू करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर में इस साड़ी से शुरू करती हूँ। पहली साड़ी जो ये है मेजेंटा कलर और गोल्डन कलर की, और ये सिल्क साड़ी है, प्योर सिल्क साड़ी बोल सकते हो आप इसको। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, स्टार्टिंग में इसका कुछ वर्क इस टाइप का है, ये पूरी साड़ी में इस टाइप का वर्क है। यहाँ पे ये देखो, बहुत ही सुंदर सा है, फ्लावर बने हुए हैं इस पे। और नीचे जो है बॉर्डर है थोड़ा सा, ये कुछ पट्टी लगी हुई है और गोल्डन कलर की, मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। बहुत ही प्रिटी साड़ी है ये, और ये है इसका पल्लू, सिंपल एलिगेंट साड़ी। ये इसका पल्लू है, तो इस टाइप की साड़ी ये मैं वैसे शादी या पार्टी में पहनती हूँ। अभी क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है, तो मैं अभी घर के कोई मतलब घर का कोई फंक्शन वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं रिपीट करती हूँ साड़ियों को, ऐसे नहीं रखती हूँ, कम से कम 5-7 बार तो पहनती हूँ। तो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी, जिसका प्राइस है 15,000 पूरा, और कुछ 50-100 रुपए कम होंगे, अदरवाइज 15,000 है इसका प्राइस। बहुत ही अच्छी साड़ी है, बहुत पसंद है मुझे, मतलब मुझ पर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साड़ी, और दूसरी यहाँ पे है रॉयल ब्लू कलर की साड़ी। ये मेरी बहुत 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 फेवरेट साड़ी है, मतलब ये मैंने बहुत ज़्यादा बार पहनी है, और ये कम से कम पूरा मतलब मेरी शादी के टाइम की है, ये 9 साल हो चुके हैं इस साड़ी को, तो भी एज इट इज़ ऐसे ही दिखती है। और इसका फैब्रिक तो मतलब वाओ, जहाँ पे मैं इसको बांध लूँ और ये हिल जाए, हो ही नहीं सकता। तो इसका फैब्रिक आप बोल सकते हो ये जॉर्जेट है, शायद जॉर्जेट फैब्रिक में इसका सिल्क का वर्क है, जॉर्जेट में सिल्क का वर्क आप देख सकते हो। ये तो हैंड वॉश तो नहीं है, ये ड्राई क्लीन ही करानी पड़ती है सारी साड़ीज, बट ये देख रहे हो आप इसका कलर कंट्रास्ट कितना अच्छा है, ब्लू में सिल्वर कलर है। तो इसके पिक मैं जरूर लगाऊंगी जो भी होगा मेरे पास, आप देख लोगे इसका पूरा लुक कैसा है। बहुत ही प्रीटी साड़ी है ये देखो, अब मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ इसको, कितनी सुंदर है ये। ऊपर से पहन के दिखा देती हूँ मैं आपको, इतने अच्छे प्लेट्स बनते हैं ना इसके, मतलब एक बार सेट हो गई तो हो गई। चलो तो मैं यहाँ पे आपको 30 सेकंड में ड्रेप करके दिखा देती हूँ साड़ी को। वैसे मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बट इस टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखो प्लीट्स, देखो इसकी प्लीट्स कितनी सुंदर बनी है। और ये आया इसका पल्लू, ये देखो वाह, और इतनी हल्की साड़ी है, बहुत ही लाइट वेट है, चाहे तो आप इसको ओपन पल्लू रख सकते हो, चाहे आप इसकी प्लीट्स बना के पहन सकते हो। बहुत ही अच्छी साड़ी लगती है मुझे ये, काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। और इसका प्राइस आई थिंक था 13,000 समथिंग, तो इसको काफ़ी साल हो चुके हैं, ये वैसे की वैसी है, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। और ये मैंने मतलब सारी साड़ियाँ ऑलमोस्ट मैंने सुंदरी या फिर संसिता, यहाँ पे जो है 3-4 डिज़ाइनर शॉप्स हैं कैलकटा में, वहीं से मैं लेती हूँ। तो आई थिंक ये थी सुंदरी की साड़ी, मोस्टली साड़ियाँ हम मैं वहीं से ही बाय करती हूँ। तो ये है मेरी ब्लू कलर की साड़ी जो कि मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ रेडीमेड साड़ी, और इसके साथ इस कलर का ही ब्लाउज है और इस कलर की ही एक पैंट है, और जो कि टाइट फिटिंग पैंट आती है। और प्रॉब्लम ये हुई थी, साड़ी तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे जब मैंने ली थी डिज़ाइनर साड़ी, बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो पैंट की फिटिंग है ना वो अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ना मैंने इसको कभी पहना ही नहीं बाहर, सिर्फ वीडियोस में यूज़ किया है। बट ये बहुत प्रिटी साड़ी है, अगर मैं इसको पहनूंगी कभी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको इसी के ऊपर इसको ड्रेप करके दिखाती हूँ कि कितनी ईजिली ड्रेप हो जाती है। लाइक मैंने ये पैंट पहना है, तो समझ लो कि इसका पैंट मैंने अंदर से पहना हुआ है। तो अरे उल्टा पहन गया सॉरी, तो ये इस तरीके से बस पैंट पे ना ये हुक दिया हुआ है, यहाँ पे ये टक करना है, यहाँ पे टक होता है ये हुक, तो मैं इसको इस तरीके से टक कर लेती हूँ पहले। तो
ये देखो तो इसका जो पैंट का लुक है ना सेम ऐसा ही पैंट है, तो वो मैंने रखा हुआ है, मैंने निकाला नहीं और फिटिंग का नहीं है, तो मुझे फिट कराना है उसको, तो इसको आगे मैं पहनूंगी। ऐसे वीडियोस में मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ उसको विदाउट पैंट, और इसका ब्लाउज भी है इस कलर का। तो ये देखो कि कुछ इस टाइप का लुक आता है इसका। ये भी अच्छी लगती है मुझे साड़ी काफ़ी। तो इसका जो प्राइस था 7500 था, जो कि मुझे उस टाइम पे तो वर्थ लग रहा था, बट लेके आने के बाद जब घर पे फिट अच्छा नहीं लगा मुझे पैंट का, तो मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी कि यार मतलब पैसे तो लग गए अच्छे खासे बट पहनने लायक मुझे लगी नहीं। तो अभी मैं इसका पैंट, ये फैब्रिक मुझे मिलता नहीं है तो नहीं तो मैं इसका वापस से सिलवा लूँ, तो इसीलिए ये पड़ी हुई है। जब भी मैं कभी मार्केट जाऊँगी, मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसका पैंट दोबारा से बनवाऊँगी, देन मैं इसको वेयर करूँगी कहीं बाहर अगर मुझे करना हुआ या फिर घर पर भी किसी फंक्शन में करना हुआ। बट इसका कलर इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही मतलब अच्छा क्लासी सा कलर है, तो ग्रे कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है वैसे भी। तो ये रखी हुई है, मैंने पहनी नहीं है ज़्यादा बार, वीडियो में एक दो बार ही पहनी है। तो ये इसका मैंने आपको प्राइस बता दिया, और इसका कपड़ा आप देख सकते हो फैब्रिक बहुत ही एक्सपेंड होने वाला है, तो फिटिंग का भी कोई इशू नहीं होता साड़ी में, जैसे यहाँ पे से थोड़ा टाइट या लूज भी चल जाता है ये। देन अगेन मेरे पास आ गया है ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, चाहे मैं सूट लूँ या साड़ी, ब्लू कलर तो मेरे पास होते ही है, दो तीन ड्रेसेस ब्लू एंड वाइन दो कलर मेरे फेवरेट हैं, तो मैं ये लेती हूँ। ये मैंने मतलब बनवाई थी साड़ी, इसका कलर मुझे कुछ मिल रहा था सी ग्रीन टाइप ऑफ कलर था, जो मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, बट इसका फैब्रिक जो था ना और ये जो स्टोन लगे हुए हैं इसमें, ये मुझे काफ़ी पसंद आए थे। इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है साड़ी को, 6-7 साल हो गए हैं, तो ये पसंद आने की वजह से ये फैब्रिक में, जो कि इसको बोलते हैं चिनॉन का फैब्रिक बोलते हैं इसको, तो इस बहुत सिंपल सी साड़ी लग रही थी मुझे, क्लासी टाइप। और उस टाइम घर पे कोई पूजा थी जिसके लिए मुझे ये खरीदनी थी साड़ी, बट मैंने कलर चेंज करा लिया था, सी ग्रीन कलर से मैंने इसको ब्लू करा लिया था। और इसमें जो आप ये देख रहे हो ना स्टोन, ये कभी नहीं निकलते, चाहे तुम कितना भी इसको ऐसे करो ना निकाल लो, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी। और नीचे में ब्लू कलर का ही ना, ये देखो फॉल की जगह पे ना अंदर से इस टाइप से, मतलब फॉल नहीं है ये कुछ मतलब कपड़ा लगाया हुआ है थोड़ा हैवी करने के लिए नीचे वाला पोर्शन, तो ये भी अलग से लगता है, दिखता है तो काफी अच्छा लगता है। और पूरी साड़ी सेम ही है सिंपल, ये देखो पूरी साड़ी में सेम है, यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है। और इसको मैं वेयर करती हूँ, और मैं इसको किसी भी ब्लाउज के साथ पेयर अप कर लेती हूँ, सिल्वर गोल्डन, तो ये सबके साथ अच्छा लगता है। ब्लू इसका पिक भी मैं जरूर लगाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ कि इसका लुक क्या आता है। और ये ना रखे रखे पूरी ना सिकुड़ चुकी है, तो इसको ना आइनिंग की जरूरत है, तो आप ऐसे ही इसका लुक देखो तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, ये देखो। और इसका फैब्रिक जो है ना वो उसके हिसाब से काफी हल्की है, चिनॉन है तो आप लोग जानते हो एकदम लाइट वेट होती है साड़ी। ये भी ज्यादा महंगी साड़ी नहीं है, ये थी आई थिंक 6000 की कुछ पड़ी थी मुझे उस टाइम पे, तो ये 6000 की मैंने ली थी, फैब्रिक अच्छा था, सिंपल थी और अच्छी लगी ओवरऑल मुझे, और अभी भी मैं इसको पहन लेती हूँ कभी कभी, और रेगुलर मैं वीडियोस में तो पहनती हूँ, जैसे कि आप लोग देखते हो मुझे इंस्टाग्राम पे कि अगर कहीं जाना होता है फिर तो पहनती हूँ, लेकिन वीडियोस में भी मैं कंटिन्यूअसली पहनती रहती हूँ साड़ी को। और अब मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट साड़ी, ये है मेरी लास्ट साड़ी, और जिस टाइम खरीदी गई थी शादी के टाइम पे मेरे, तो उस टाइम तो मुझे काफी पसंद थी, लेकिन अभी अगर आपको दिखाऊं तो ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, तो इसको बिल्कुल भी बाहर आने जाने में कहीं नहीं पहनती हूँ। तो एक दो बार मैंने इसको स्टार्टिंग में पहना था, एक बार आई थिंक, ये पूरी प्लेन है और नॉर्मली आजकल ऐसे शॉप पे भी मिल जाती है, ये मैंने डिजाइनर ही ली थी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, ये 4000 की साड़ी है, तो इसका वर्क आप देख सकते हो, ये देखो इस टाइप का आजकल तो शॉप पे भी मिल ही जाता है, और काफी सस्ते में भी मिल जाएगी आपको अभी तो ये साड़ी, तो मुझे उतनी कोई ज्यादा भी पसंद नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया कलर और इसका थोड़ा उस टाइम का जो पैटर्न था मुझे काफी पसंद आता था, तो ये ली थी, ये देखो ये इसका पल्लू है, फ्री पल्लू। और लास्ट में यहाँ पे ना थोड़े से ये देखो ये डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पे, और लटकन लगाए हुए हैं पल्लू पे, जो कि अच्छा लुक देते हैं। ओवरऑल साड़ी अच्छी लगती थी, बट अभी मुझे अच्छी नहीं लगती है साड़ी, क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो गई है, और मेरी साड़ीज की चॉइस भी थोड़ी चेंज हो गई है, मैं बहुत मतलब अभी देखा होगा कि बहुत सिंपल सोबर क्लासी साड़ीज पहनती हूँ मैं, तो ये मुझे थोड़ा सा ना गॉडी लुक देता है, तो मुझे पसंद नहीं है, और इतना बड़ा बड़ा वाला वर्क ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एज होने के बाद पहनना चाहिए, चौड़ा बॉर्डर है तो वो ना मुझे कम पसंद आता है। तो आप देख सकते हो मैंने इसका प्राइस आपको जैसे कि बता दिया 4000 है, और अभी तो आप लोग अगर जाओगे शॉप पे तो आराम से आपको 2-3 हज़ार में ही शायद मिल जाएगी। हाँ, बट मैं फर्स्ट जो चीज़ देखती हूँ साड़ी या सूट कुछ भी लेने से पहले, वो होता है फैब्रिक, अगर मुझे फैब्रिक पसंद आया तो मैं साड़ी ले लेती हूँ आँख बंद करके कि हाँ भाई मेरे को फैब्रिक अच्छा लगना चाहिए, मैं अगर उसको पहन रही हूँ तो वो अच्छे से सेट हो जानी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साड़ी पहनने के टाइम पे, तो मैं फैब्रिक को प्रेफरेंस जरूर देती हूँ। और अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है साड़ीज की, जो कि बहुत ही अंडर बजट होने वाली है, कोई भी खरीद सकता है इजीली, तो मैं आपको पार्ट 3 में दिखाऊंगी, ये पार्ट 2 है, इसके पहले मैंने अपनी
काफी महंगी साड़ी आपको दिखाई थी जो मेरे लिए काफी महंगी थी, और अभी एक एवरेज रेंज मैंने आपको दिखाई है 15,000 के अंडर में जितनी साड़ियां थी वो मैंने दिखा दी है अपनी आपको। और चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू।